हम चैप्टर 5 यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है, पहले इसको पढ़ने से पहले हम समझ लेंगे थोड़ा सा। ये पिक्चर मैंने बना के रखी है कि ये है आपका भूमंडल, ठीक है, और दूसरा है आपका ये वायुमंडल, ठीक है, समझने की कोशिश करना। फिर है ये जलमंडल, और ये जो सेंटर का पार्ट है जिसमें जल, भूमि और वायु तीनों चीजें मिल रही हैं, वो है आपका जीव मंडल, ठीक है। अब चैप्टर पढ़िए कि ये क्या होता है। तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ के रूप में, जल के रूप में और जल वाष्प सम्मिलित है। पृथ्वी पर कई जगह वाष्प के रूप में भी जल सम्मिलित है, और जो हमारे ग्लेशियर वगैरह होते हैं वो बर्फ के रूप में पाए जाते हैं, तो इसलिए इसको ऐसे बताया गया है। और जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये क्या है, आपका जीव मंडल है, और जहाँ अलग अलग सेपरेट वायु, भूमि और जल है वो वायुमंडल, जलमंडल और भूमंडल कहे जाते हैं। अब इनको इंग्लिश में भी यहाँ समझाया गया है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई। ये ग्रीक भाषा में लिथस का अर्थ होता है पत्थर, तो जहाँ भूमि वगैरह है उसको कहेंगे लिथोस्फीयर, ठीक है। एटमॉस का अर्थ होता है बाष्प, तो इसको कहेंगे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फीयर, जहाँ पे हवा होती है। ह्यूटर का अर्थ है जल, तो इसको जो जल वाला पार्ट है उसको कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। बायोस का अर्थ है जीवन, इसलिए इस पार्ट को कहेंगे बायोस्फीयर। तो ये क्या आप इनसे और शब्द बना सकते हैं, ये आपकी एक्टिविटी, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने समझ लिया है। मैं यहाँ एनसीईआरटी बुक को एज इट इज पढ़ा रही हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, बस उसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको अच्छे से समझ आने चाहिए चीजें बस, क्योंकि 6th क्लास के लेवल का है, तो उससे ज्यादा कोशिश करेंगे समझाने की तो समझ में नहीं आई। यदि कोई बच्चा भी पढ़ रहा है तो उसको भी समझ आनी चाहिए, और बड़ों के लिए तो एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना काफी होता है, क्योंकि बाकी किताबें तो लोग प्रेफर करते ही हैं, रेफरेंस लेते ही हैं अदर बुक्स का। तो यहाँ एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप, तो मुझे लगता है कि उतना ही पढ़ना काफी, आपको पता चले कि आखिर एनसीईआरटी में कितना कुछ दिया रखा है। छोटी सी पतली सी किताबें होती हैं, लेकिन इनमें नॉलेज इतना ज्यादा है कि कहा जाए कि एक तरह से गागर में सागर भरा हुआ है एनसीईआरटी बुक्स में। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे भूमंडल, हमने ऊपर ये तो देख लिया कि भूमंडल होता क्या है, लेकिन भूमंडल इसमें कैसे एक्सप्लेन किया गया है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपरपटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीव के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, और जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हम नीचे पिक्चर दी हुई है उसमें समझ लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में नहीं, समुद्र जल की, जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अब आप ये मत समझना कि जहाँ पे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी पर ऊपर ही जो परत है, जो आखिरी पार्ट होता है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, उसी के ऊपर जल होता है और उसी के ऊपर आपका पर्वत, पहाड़, भूमि होती है। तो जहाँ जल है वो भी पृथ्वी का भूभाग ही कहलाएगा, ठीक है, इसलिए इसको महासागरी बेसिन कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर है, इसको हम यदि पूरा देखना चाहें तो इसको ऐसे बड़ा कर लेंगे ताकि एक बार में ही समझ आ जाए।
तो ये है, अब देखिए ये है एशिया। एशिया जो है वो क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर है आपका उत्तर अमेरिका सेकेंड नंबर पे, थर्ड पे है अफ्रीका, और फोर्थ पे है दक्षिण अमेरिका, फिफ्थ पे है ये अंटार्कटिका जो है वो है सेकेंड नंबर पे, ठीक है, और सिक्स्थ पे है यूरोप, और सेवंथ पे है ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा है, ठीक है। तो और फिर ये है महासागर, ये प्रशांत महासागर है, यहाँ भी ये क्या क्या हमने पृथ्वी गोल थी उसको खोल दिया है पीछे से, ऐसा लग रहा है ऐसा ही किया गया है, इसलिए ये प्रशांत महासागर हो गया। दूसरा आपका अटलांटिक ओशन हो गया, ये क्या क्या थोड़ा अब इनके शेप के बारे में, जो प्रशांत महासागर है इसकी शेप कैसी होती, इसकी शेप सर्कल जैसी होती, क्योंकि यहाँ से यदि आधा देखा जाए, एक यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों मिला दिए जाए, जैसे पृथ्वी को अगर हम मिला दें गोल कर दें तो ये सर्कल शेप का हो जाएगा, और ये ऐसे करके देखें तो अटलांटिक ओशन जो है, अटलांटिक महासागर है वो एस जैसा बन रहा है, और ये हिंद महासागर है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो इंडिया एक कंट्री के नाम से बना हुआ है, ठीक है, और ये दक्षिण में है इसलिए इसको दक्षिणी महासागर कहते हैं, और ये आर्कटिक महासागर है, ठीक है। आपके पांच महासागर हो गए और सात द्वीप हो गए। अब तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, ये जो बॉक्स दिए रहते हैं ना इनको जरूर पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि यहाँ की जो क्वेश्चन आते हैं यहीं से आते हैं, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिन नॉर्गे शेरपा, ये 29 मई डेट याद रखो, हो जाए होती हो याद तो रखो, नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, और जापान की जुंको तावी और विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा, और बचेंद्र पाल जो थी वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। और जो शिखर माउंट एवरेस्ट है ना विश्व का सबसे ऊंचा, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर की मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर, ठीक है, यानी कि जो पृथ्वी की ऊंचाई है उससे ज्यादा पृथ्वी की गहराई है, ठीक है। तो क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक हो सकती है। फिर है महाद्वीप, पृथ्वी पर सात प्रमुख महाद्वीप हैं जो हमने पिक्चर में देख ली है, समझ ली है, अब इनको पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं। ये विश्व जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, जिन्हें हमने विश्व के मानचित्र में देख लिया है। और जो एशिया है क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में, हाँ ये यहाँ थोड़ा सा पिक्चर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि उत्तरी गोलार्ध कैसे, जैसे हमने ये यहाँ ड्रॉ किया, पृथ्वी को ड्रॉ कर लिया, और फिर पृथ्वी को ड्रॉ करने के बाद ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, जो ऊपर का है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का जो है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि जो स्थल का बहुत अधिक बड़ा भाग है ना वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, आपने देखा होगा एशिया भी यही है, यूरोप भी यही है, अफ्रीका भी यही है, और क्या है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो ये ज्यादातर जो भाग है वो किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए वो कह रहे हैं। तो पिक्चर बनाने से क्या है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाते हैं पढ़ने से उतना ना हो तो। अब तो उनको थोड़ा जो महाद्वीप है डिटेल में और पढ़ लेते हैं, कहीं कोई समस्या होगी तो।
पिक्चर के द्वारा समझ लेंगे, डायग्राम से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में, हाँ यहाँ फिर से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि पूर्वी गोलार्ध में कैसे, जैसे हमने ये पृथ्वी को लिया, ठीक है, तो ये सेंटर से हमने क्या किया, पृथ्वी को इक्वेटर होता है ना, ये क्या क्या था, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, और एक रेखा 90 डिग्री की और बीच से आती है जिसे क्या कहते हैं, याद है किसी को, लाइन भी तो ठीक से नहीं बन रही है। तो ये जो लाइन है ये भी दो पार्ट में पृथ्वी को डिवाइड करती है, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है, ठीक है। जो एशिया है वो ज्यादातर इस भाग में है, ठीक है, तो इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो पूर्वी, ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, समझिए, पूर्वी गोलार्ध में या फिर उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं, लेकिन ये पूर्वी गोलार्ध में इसलिए है क्योंकि ये पूर्वी गोलार्ध में ही है, उत्तर पूर्व भी नहीं कहेंगे, ये सिर्फ पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। मान लीजिए इक्वेटर हो गया, इक्वेटर तो नीचे है लेकिन उसके बाद ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, तो जो कर्क रेखा है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। अब यहाँ पूर्व था तो यहाँ पश्चिम होगा, है ना, तो एशिया के पश्चिम में क्या है, ये यूराल यूरोप है, इधर साइड में तो है यूरोप, ठीक है, तो यूरोप एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, यहाँ पश्चिम में यूराल पर्वत है जो क्या करता है, यूरोप से अलग करता है, सेपरेशन के लिए दोनों को अलग, दो मिलते हुए दिखाई देते, अभी पिक्चर में थोड़ा ऊपर बनी हुई है उसी में देख लेंगे। यूरोप तथा एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया कहा जाता है। थोड़ा ऊपर की पिक्चर में देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे ये था, ये हमारी पिक्चर थी, ये एशिया, ये यूराल पर्वत आप देख पा रहे होंगे, ये जो दिख रहा है ये यूराल पर्वत है, ठीक है, एशिया और यूरोप को मिला रहा है, ठीक है, मतलब अलग हो रहा है यहाँ से, इस पर्वत से ही दोनों पार्ट अलग हो रहे हैं, एशिया और यूरोप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एशिया के बाद आता है यूरोप। यूरोप एशिया का बहुत छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है, एशिया का नहीं सॉरी एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। तो अभी मैंने पिक्चर में बताया था कि एशिया इधर है और यूरोप इधर है, तो इधर पूरब हुआ, इधर पश्चिम है, तो एशिया के पश्चिम में, इस तरह से याद हो जाता है, एशिया के पश्चिम में है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, तो अभी हम फिर से वही कह रहे हैं कि इसको आपको मैप देखने से ना ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है चीजें सारी। तो ये क्या कह रहे हैं, वही ये जो आर्कटिक महासागर है ना, और इधर भूमध्य सागर है, उधर आपका अटलांटिक ओशन ये है ही, तो ये तीन सागरों से घिरा हुआ है, यही कह रहे हैं, ठीक है, ये तीन सागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, यूरोप के बाद आता है अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व वृत्त या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब ये उत्तर पश्चिम पूर्व वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, अभी मैंने जैसे पिक्चर बना के बताया था वैसे, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये पिक्चर को ऊपर जाके देखेंगे तो पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विश्व तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। अभी हम देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र अभी देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि ये देखिए, आप
एक बार पिक्चर देख लेंगे तो इसमें जो लिखा हुआ है वो सारा देखिए, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये है इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त, ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। तो इस द्वीप से ये तीनों ही गुजर रही हैं और ये है सहारा मरुस्थल, सबसे गर्म मरुस्थल जो है वो इसी में है। और इसी में ये नील नदी आप देख पा रहे होंगे, ये नील नदी है, ये सब इसमें है। फिर नेक्स्ट हमारा जो अफ्रीका के बाद आता है उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, थर्ड नंबर पे उत्तर अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि, देखिए उन्होंने, अब हमें ऊपर मैप में जाने की जरूरत नहीं है, हम यही मैप दे दिया है तो इससे हम उत्तर और दक्षिण अमेरिका को यही समझ लेते हैं। ये है स्थल संधि, इसको इस्थमस ऑफ पनामा कहते हैं, ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों से एक दूसरे से जुड़ता है, इनके बीच में बिल्कुल मतलब ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका को एक्चुअली अब क्या है इसको अब सेंट्रल अमेरिका भी मानते हैं। और यहाँ फिर दिया गया है जल संधि जिसको स्ट्रेट बोलते हैं, तो पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़ी जलराशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है? स्थल नहीं है, जल संधि है, जल के द्वारा इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ, तो एक्चुअली इसको ना पाक स्ट्रेट कहते हैं, ये जो जल संधि है ना भारत और श्रीलंका के बीच, इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक्टिविटी के रूप में, क्योंकि बच्चों को जो कोई बुक पढ़ता है उसको एक्टिविटी करने के लिए दिया जाता है, इसलिए दिया गया है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, इस महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तीन महासागरों से घिरा हुआ है। उनके क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर मैप में देख लेते हैं और बताते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका है वो कौन कौन से तीन महासागरों से घिरा हुआ है। तो देखिए ये तीन महासागर हैं, आप देख पा रहे होंगे उत्तर अमेरिका है, ये पहला तो ये प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है, इधर से ये घिरा हुआ है प्रशांत महासागर। दूसरा अटलांटिक ओशियन, इधर से अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, ठीक है। और तीसरा जो आर्कटिक ओशियन है वो, तो तीन महासागरों से घिरा हुआ है। तो आप मैप देखेंगे तो सारे कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस थोड़ा सा इतनी आसान भाषा में लिखा हुआ है कि आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। फिर आता है आपका दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो यहाँ फिर से हम मैप पे चलते हैं, देखिए ये दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका को अमेजन नदी भी दक्षिण अमेरिका में ही है और एंडीज ये जो इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला आपको दिख रही है ये दक्षिण अमेरिका में है और ये भी इधर प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, अटलांटिक महासागर से, और ये दक्षिणी महासागर भी से भी घिरा हुआ है, ठीक है। और क्या था अभी, बस इतना ही था, इसमें दो महासागर बताए गए, तो वो कौन कौन से महासागर थे? वो एक तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक ओशियन महासागर थे, अटलांटिक ओशियन और प्रशांत महासागर दो महासागर है, ठीक है। तो ये मैप देख के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि इसके क्या है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, इसलिए इसे आइलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। आर्कटिक एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, चूंकि यह दक्षिण ध्रुव में स्थित है इसलिए इसे हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है,
ध्रुवों पर क्या है, हमने जब चैप्टर पढ़ा था, सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तब भी देखा था कि ध्रुवों पर बर्फ जमी रहती है, तो इससे इस पे भी बर्फ की मोटी परतें से ढका रहता है। तो यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी दो शोध केंद्र है, एक तो मैत्री, दूसरा दक्षिण गंगोत्री। यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत के मतलब किसी भी तरह से पूछ सकते हैं दो शोध केंद्र कहाँ स्थित हैं, किस कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा अंटार्कटिका में, या फिर पूछ लें कि अंटार्कटिका में स्थित भारत के दो शोध केंद्रों के नाम बताइए, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, आपका भूमंडल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जलमंडल पे। तो जलमंडल, ये जलमंडल आ जाता है, ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के रूप में जल सभी रूपों में उपस्थित है। इसमें महासागर है, नदियां हैं, झीले हैं, हिमनदियां हैं और भूमिगत जल को भी इसमें मिलाया गया है तथा वायुमंडल की जल वाष्प सभी सम्मिलित है, ठीक है, उसको भी माना गया है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। तो देखिए, पानी तो पृथ्वी पर बहुत है इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन 97.5% खारा पानी है, यानी कि महासागरों में पाया जाता है। तो जो पीने वाला पानी है वो सिर्फ कितना है, 2.5%, उसमें भी किस चीज का है, वो नदियों का, झीलों का और ग्लेशियर यानी कि हिम नदियों का और भूमिगत जल। तो ये भी, ये बस पीने वाला पानी है, बाकी सारा पानी तो बहुत है लेकिन कैसा पानी है, नमकीन पानी है, खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है। अब यहाँ आपको अगर डाउट हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप सबसे बड़ा है, छोटा है, तो इसलिए आपको ये एक्सरसाइज दी गई है कि इसके जो स्क्वायर है उनको काउंट करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो महाद्वीप का जो पानी है वो उपयोग में नहीं आ सकता, ठीक है, और जो शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। तो जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, ठीक है, इसीलिए सब कहते हैं पानी कम खर्च करो, पानी की कमी है, ठीक है, क्योंकि पीने योग्य पानी जो है वो बहुत ही कम है, उसको हम ऐसे वेस्ट करते हैं। तो पानी का महत्व हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में, विश्व में कई ऐसी जगह है जहाँ पानी बहुत मुश्किल से पीने योग्य के लिए भी नहीं है, तो इसलिए हमें उसको बचाना चाहिए अपने भविष्य के लिए। अब महासागर हैं। महासागर कौन कौन से हैं? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः पांच महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। अब प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक तिहाई भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। अभी हम मैप में जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो अभी चित्र को देखने के लिए कह रहे हैं, तो चित्र में हमने अभी समझा नहीं है लेकिन समझ लेते हैं कि जो प्रशांत महासागर है वो किस तरह से सर्कल है। सारे महासागरों को ही देख लेते हैं कि ये देखिए, ये प्रशांत महासागर है, ऐसे इधर है, कुछ इधर है। तो जब इसको मोड़ा जाएगा, मिलाया जाएगा तो क्या होगा, सर्कल बनेगा। मुझे लगता है ये पहले बता चुकी हूँ लेकिन नहीं बता चुकी हूँ तो फिर से बताते हैं, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का शेप कैसा बताया गया था, सर्कल बताया था लगभग। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो ये सर्कल ही बनेगा। फिर दूसरा है अटलांटिक महासागर। इसका शेप कैसा बन रहा है, इसका शेप बन रहा है एस के आकार का, इसको एस के आकार का महासागर कहा जाता है। और हिंद महासागर जो है वो, उसका नाम क्या है,
किसी कंट्री के नाम पर है, ठीक है, इंडिया के नाम पर है, इसलिए इसको हिंद महासागर कहा जाता है। और दक्षिण में है इसलिए दक्षिण महासागर, और बस इतना ही है। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं। तो हमने देख लिए हैं सारे महासागर। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, ये अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का हमने भी देखा था, उसमें शेप बना के। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अब पिक्चर फिर से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी कि भारत के नाम पर रखा गया है, ठीक है। अभी हमने देखा था महासागर, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल में है। यहाँ इंडिया है और ये महासागर ऐसे करके ट्रायंगल शेप में है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। और आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव यानी ऊपर पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट है ना, उत्तर ध्रुव वहां पर है, उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव को के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है जिसे वेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब देखिए ये जो दंतुरित तटरेखा बताया गया है ना, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, जिससे व्यापार की ज्यादा संभावना रहती है, यहाँ ज्यादा व्यापार से घिरा रहता है बताया गया है। और कुछ महासागर जो होते हैं ना, वो उनकी कोस्ट लाइन जो होती है ना, वो काफी स्मूथ होती है, एकदम सीधी होती है। जैसे मैं अभी आपको पिक्चर में दिखाना चाहूंगी, यहाँ नहीं बताया गया है लेकिन देखिए ये अटलांटिक महासागर है और इसकी जो तटरेखा है देखिए वो थोड़ी स्मूथ सी है, जबकि यहाँ यदि इसको देखा जाए ना उत्तर अमेरिका को, तो ये दक्षिण अमेरिका को ये बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी सी है, तो ये थोड़ी स्मूथ सी है, ठीक है। और यहाँ देखिए जाए इन सब का ये कितना ज्यादा मतलब टेढ़ी मेढ़ी है, कहीं जल कहीं स्थल इस तरह से, ये यहाँ हर जगह बहुत ज्यादा, लेकिन ये काफी स्मूथ है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, पोताश्रयों के लिए आदर्श स्थिति है। हमारा भूमंडल हो गया और जलमंडल हो गया। अब थर्ड आता है वायुमंडल। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में, ठीक है, 5 लेयर्स में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, ये सबसे नीचे जो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है, कहा जाता है। और जो सबसे पहली पृथ्वी की सबसे पहली परत है ना, जो क्षोभ मंडल है, ये एरोप्लेन वगैरह इसी परत में उड़ते हैं, ठीक है, हॉट एयर बैलून वगैरह। और ये जो आयन मंडल है, इसमें क्या है, जो हमने पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था ना, एस्टेरॉयड वगैरह आते हैं तो आयन मंडल में आकर ही ये जल जाते हैं। और सैटेलाइट वगैरह जो होती हैं वो सबसे बाहर होती हैं, ठीक है। और ये समताप मंडल है, और फिर इनको भी थोड़ा डिटेल में देख, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है, और नाइट्रोजन क्या है, आपके जो वेफर्स होते हैं चिप्स कुरकुरे वगैरह, उनको प्रिजर्व करने के लिए भी उनमें डाली जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पौधों के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा में के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे क्या होता जाता है, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। अब है जीव मंडल, जहाँ तीनों चीजें पाई जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। स्थल जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। वैसे ऊपर समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी डिवीजन के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। जहाँ जीवन मौजूद है, यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों का काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गए। हाल ही में तो फिर क्या था, झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका क्या है, जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। अब ये क्लास 6 की है, अब ये खत्म हो चुका चैप्टर। अब हम यहाँ कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हमने अभी जो पढ़ा, काफी दो तीन बार रिवाइज भी किया, अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप आंसर देने के काबिल होंगे। पृथ्वी के चार प्रमुख परमंडल कौन कौन से हैं? तो चार प्रमुख परमंडल हमने देखे, जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल और जैवमंडल। ठीक है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम। तो महाद्वीप 7 थे, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर है दो महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में एक तो था अंटार्कटिका, जो पूरा बर्फ से ढका हुआ था। दूसरा था ऑस्ट्रेलिया, शायद मैंने साथ में उसका नाम नहीं ले पाया, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, पृथ्वी के पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है। फिर है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल में 5 परतें थी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। 5 परतें थी। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, पानी था। 97% पानी है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? तो मैंने बताया था कि जो पृथ्वी हमारी दो भागों में अगर बांटते हैं तो ज्यादातर भाग उत्तर में ही है। भूभाग पृथ्वी पर पानी की अपेक्षा भूभाग देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए इसको उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? तो जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सारी चीजें चाहिए, जो कि जीवमंडल में तीनों चीजें मिलती हैं, जल भी, वायु भी
और भूमि भी, ठीक है। तीनों चीजें मिलती हैं इसलिए जीवों के लिए, जीवित प्राणियों के लिए, जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए जीव मंडल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ सही उत्तर को टिक करना है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है, तो ये है यूराल, ठीक है। हमने मैप में देखा था तो याद होगा आपको, तो यूराल जो है वो एशिया और यूरोप को अलग करती है, और इनका यदि मिला के नाम बोला जाए तो उसको यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एशिया और यूरोप को मिला के बोला जाता है यूरेशिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है, तो हमने देखा था कि इस्थमस और पनामा, यानी पनामा स्थल संधि है वो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है, तो इसको कहते हैं स्थल संधि। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वायुमंडल में हमने देखा था नाइट्रोजन जो थी वो सबसे अधिक मात्रा में थी। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है, तो जो थल मंडल है वो ठोस चट्टानों का बना हुआ है, क्योंकि जल मंडल में जल है और वायुमंडल में हवा है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, खाली स्थान भरेंगे, बस इतना ही है, लास्ट पार्ट है ना, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में हमें पता है, हमें जो मरियाना गर्त जिसे हम कहते हैं मरियाना गर्त है वो 11,000 कुछ था एक्यूरेट, ऊपर देखा आपने, यानी कि जो हमारे पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट है ऊपरी भाग है उससे भी गहरा था, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। फिर है महासागर का नाम एक देश के नाम पर, काफी ही क्वेश्चन है, हिंद महासागर जो है वो इंडिया के नाम पर उसका नाम पड़ा है। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है, तो उसको हम जीव मंडल कहते हैं, ठीक है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है, अभी मैंने ऊपर भी बताया था। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये माउंट एवरेस्ट है। इसके क्वेश्चन काफी इजी थे, तो मुझे लगता है कि आपने भी चैप्टर पढ़ा था तो समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको समझ नहीं आते हैं तो मैं कहना चाहूंगी पहले आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, फिर चैप्टर पढ़िए तो और अच्छे समझ में आएंगे। तो आज यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पूरी एनसीईआरटी बुक आपको यहाँ मिल जाए एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत कम समय में, ठीक है। धन्यवाद।